अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल तड़का, जिसे फ्राई दाल भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमने 200 ग्राम मसूर की दाल लिया है। अगर आपके पास ये कप ना भी हो तो आप कोई भी कप से ले सकते हैं। 200 ग्राम मसूर की दाल, तो 100 ग्राम हमने तुअर की दाल लिया है। तो याद रखिए कि कभी भी मसूर की दाल की क्वांटिटी ज़्यादा लेना है हमें, और तुअर की दाल उससे कम। तो आप जो भी कप से मसूर की दाल लेंगे, उसके आधा कप तुअर की दाल लें। इसको हमने आधा घंटा इस तरह भिगो के रख दिया था। याद रखिए, कभी भी दाल भिगा के रखने से दाल जल्दी गलती है। तो हमने दाल भिगा दिया, और फिर इसके बाद हम आधा घंटा हमने भिगाया है। अब हम इसमें फिर बघार के लिए हमें चाहिए, हमने दो टमाटे लिए हैं, इसको इस तरह बारीक काट लिया है, और ये एक डल्ली प्याज के लिए हमने छोटी सी, और एक टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है, जो हम गलने में आधा डाल के बघार में आधा डालेंगे। और ये नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालें, थोड़ा गलने में डालेंगे, बाद में बघार में भी डालेंगे। और आधा टी स्पून हल्दी, और ये मलाई जो हमको बघार के लिए लगेंगी आखिर में, और कड़ी पत्ता भी हमें बघार के लिए लगेगा, और ये लाल मिर्ची, ये आखिर में बघार के लिए। और ये आखिर में तड़के के लिए मिर्ची, आधा आधा टीस्पून रई जीरा, और दो तीन सूखी हुई लाल मिर्ची, और दो लहसुन की कलियां लिया, और हरा धनिया दो टेबल स्पून, जो बघार के और गार्निशिंग के लिए लगेगा, और तीन चार हरी मिर्चियाँ लिया है। इसको इस तरह हमने बारीक चॉप कर दिया। सबसे पहले हम, और एक से डेढ़ प्याली हमें गलाने के लिए पानी लगेगा, और हम तीन से चार सीटी होने तक इसे गलने देंगे। तो हम सबसे पहले ये दाल को कुकर में डाल देंगे, और ये दाल हम, बहनों हम आपको एक बात बोल देते हैं कि आप ये दाल, हम ये ज़्यादा गला रहे हैं, लेकिन आप उतनी ही दाल पे बघार डालना जितनी आपको सर्व करना है। तो हम ये एक बॉल के हिसाब से ये मटेरियल लिया है हमने, सिर्फ ये इतनी ही बघारेंगे हम, और बाकी की रख देंगे। आपको जब भी सर्व करना है तब आप इसे बघारना, पूरे एक साथ नहीं बघारते, जितनी सर्व करना है उतनी ही बघारते हैं, आपको हम बताएंगे बाद में। तो अभी हम ये पूरी दाल इसमें गलाने के लिए डाल दे रहे हैं। इसमें इस तरह से ये पानी डाल देंगे, और थोड़ा सा और आधा कप और आधा कप पानी डाल देंगे। और ये हल्दी जो हमने हल्दी रखी थी ये भी इसमें डाल देंगे, और ये थोड़ा सा नमक, और इसमें से आधा अदरक लहसुन डाल दें। ये हम एक से डेढ़ टेबल स्पून इसमें ये मीठा तेल डालेंगे, इससे दाल अच्छी नरम गलती है, और बाकी का हम बघार के लिए रख देंगे। और हम कभी भी याद रखें, जब भी आपको दाल गलाना है इसे भिगा देना चाहिए आधा घंटा कम से कम। और फिर अगर आप भीगी हुई दाल बना रहे तो इतनी आधा, बिल्कुल एक इंच ऊपर पानी रहना, और तीन सीटियों में गल जाती है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी दाल दिखे उतनी हमें गलाना है। तो हम इसे अब तीन से चार सीटी गला देंगे। ये दाल हमारी इस तरह गल चुकी है, बस इसे हमने सिर्फ चमचे से ही इस तरह से हिला के इसको इस तरह से घोट लिया है। इसे हम, इसके लिए हम ब्लेंडर या दाल घोटनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इससे बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, और हमें दाल इस तरह थोड़ी थोड़ी साबित चाहिए हमें। और हमने इसे 10 से 15 मिनट गलाया है, और तीन से चार सीटी होने दिया, क्योंकि हमने इसको भिगा लिया था, तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी था तीन सीटी। अगर आप बिना भिगाए बना रहे तो पाँच सीटी, और पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा देना चाहिए।
बढ़ा देना चाहिए आपको, क्योंकि हम ये गला के बनाए भिगा के बनाए, बल्कि इसमें हम 1.5 कप पानी डाले और 3 सीटियाँ 15 मिनट तक गलाए। हमने सबसे पहले कोयलों को एक छन्नी में डालकर गैस पे गरम किया है, जो हमने बैंगन के भुरते में भी बताया है आपको, तो उस तरह आप उसको कोयले को गरम कर ले। मंदी में बताया हमने आपको छन्नी में रखकर गरम करना, तो उस तरह हमने इसे गरम कर लिया है। अब इसे हम ये दाल में अभी बिना पानी, अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला इसलिए कि इसमें हमें कोयले रखना था ताकि इसमें स्मोकी अच्छी खुशबू आए, क्योंकि दाल तड़के में स्मोकी खुशबू आई तो ही दाल तड़का अच्छा लगता है। और फिर एक बघार और हम बताएंगे जो आखिर में देंगे, जिसे हम गैस पे इसमें अंदर आग लेकर, उस तरह पैन में आग लेकर बताएंगे। तो वो जो अगर नए बहने हैं जिसे नहीं जो नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए ये काफ़ी है कि बस इसमें स्मोकी खुशबू हो जाएंगी एक। और इसको फिर हम थोड़ा सा तेल डाल के इसको इस तरह से ढाँप लें, तो इसे 5 से 6 मिनट इसे इसी तरह इसमें रहने देंगे। इसके बाद इसे हटाकर फिर अब हम एक बघार, इसको टोटल हम 3 बघार देंगे। सबसे पहले हमने इसमें 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। ये दाल का पहला बघार है। इसके बाद जो 2 बघार हैं हम वो बाद में आपको बताएंगे। और ये फर्स्ट स्टेप में जो बघार डाल रहे हैं हम, तो ये जो भी आप दाल जितनी भी बना रहे हैं उसको टोटल पूरी इस तरह बघार ले आप। फिर आपको सेकंड स्टेप में जो जितना सर्व करना है आपको, जितने जितने जो बाउल में आप सर्व करेंगे, फिर ये दाल निकाल कर उतने पर ही वो 2 बघार डालना है आपको बाद में। तो इसलिए आप हम आपको ये फर्स्ट स्टेप वाला बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम जो प्याज काट के रखा था हमने वो डाल देंगे। ये पूरी दाल में डालेंगे। और आपको जब भी फिर सर्व करना है तब आप इसको बघार के फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर आपको जब भी सर्व करना है तब वो 2 बघार जब तब का तब डाल के आप दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहले हम इसमें प्याज डाले, बाद हरी मिर्ची जो हमने ये बारीक काट के रखी थी ये डाल दिए। उसके बाद हम इसमें ये 1 टेबल स्पून धनिया डाल देंगे। फिर थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो रखा था हमने, आधा हमने दाल में गलने में डाला था और आधा ये बघार में डाला है। फिर उसके बाद ये टमाटर जो हमने काट के रखे थे वो डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हम। और इसे कोथमीर और हरी मिर्ची को हमें थोड़ा ग्रीन ही रहने देना है। और फिर इसके बाद ये जो दाल रखे थे हमने वो हम डाल देंगे। तो इस तरह बहनों हम इसमें ये जो दाल हमने गला के रखा था वो पूरी टोटल, ये दाल में हम आधा से 1.25 कप पानी डाल रहे हैं। और ये दाल इतनी आप चेक कर लेना, इतनी गाढ़ी रहना चाहिए ये, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बस इस तरह, क्योंकि इसे हमें पतली नहीं बनाना है, इसे थोड़ी गाढ़ी ही रखते हैं। असल में ये ढाबे पे और होटल में बनती है इस तरह की दाल, तो ये बहुत टेस्टी बहुत ही अच्छी बनती है ये, तो ज़रूर आप घर में इसे ट्राई करें। इसे थोड़ी हमें गाढ़ी ही रखना है, इसे 4 से 5-6 मिनट हमें और इसे उबाल आने तक पकने देना है।
आप नमक आप आपके हिसाब से चक्कर डालें। थोड़ा हमने और डाला है, देखिए इस तरह से अपनी पतली अपनी गाढ़ी इस तरह की से हमें रखना है। अभी हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। 3-4 मिनट हमने पकने दिया है, इस तरह हमारे दाल पे उबाल आ चुका है। बस इस स्टेप पे हम इसे गैस को बंद कर देंगे। इसे अब हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, फिर इस पे हम 2 बघार जो है वो डालने वाले हैं। ये दाल हमने एक बाउल में निकाल लिया है, जितना हमें सर्व करना है बाकी की हमने रख दी है। अब इसमें हम बघार डालेंगे। सबसे पहले हम एक पैन में बघार के लिए ये 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। फिर जो हमने ये कड़ी पत्ता रखा था उसको डालेंगे। फिर हम ये रई जीरा जो रखा था वो थोड़ा थोड़ा डालें। फिर इसमें लहसुन बारीक चॉप करके डालें। इसके बाद हम इसमें ये लहसुन जो रखे थे हमने इसको बारीक बारीक कतर लिया है चॉप को, में ये लहसुन डाल देंगे। ब्राउन होने तक लहसुन फ्राई करेंगे हम। फिर इसके बाद इसमें बाद में ये मिर्ची को इस तरह से इसे तोड़ देंगे हम। बस अब हमारा बघार ब्राउन हो चुका है, फिर हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब ये इसके बाद हम इसे इस तरह से दाल पे डाल देंगे। अभी फिर अब तीसरा बघार अब हम इसमें और डालेंगे। अब हम ये तीसरा बघार डाल रहे हैं। हमने इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून तेल लिया है। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा तेल को अच्छा गर्म होने दें। उसके बाद हमने ये 1 टेबल स्पून मलई लिया है, डालेंगे ये इस तरह से हम इसमें आँच आने दें। इस तरह से बाद में हम इसमें ये मिर्ची जो रखी थी हमने तो ये हम आधा टीस्पून डाल देंगे बस। फिर ये आखिर में हम इसको ये बघार को दाल पे डाल देंगे। इस तरह से हम इस पर ये बघार डाल देंगे। ये आग जो लिए हमने ये जो बहनों को आता वही ये चीज़ इस्तेमाल करें, वरना उसमें हमने कोयले को जो स्मोक की खुशबू दी है उतना ही काफ़ी है। अगर आपको आता है तो ही आप इस तरह का बघार दें। लीजिए ये हमारे दाल तड़का तैयार है। इसे आप सादे चावल के साथ या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, या अपनी सादी प्लेन रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।